बांग्लादेशी एक्ट्रेस तांजिन तिशा का एक प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर इस टाइम पर काफी वायरल हो रहा है। तांजिन तिशा जो कि बांग्लादेश की जानी मानी एक्ट्रेस मॉडल हैं, उनको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें की जा रही हैं और इस वीडियो को लेकर उन्हें गंदे तरीके से ट्रोल भी किया जा रहा है। एक्ट्रेस का ये वीडियो उनकी बाकी की दो दोस्तों के साथ है जिसमें वो मस्ती करती नजर आ रही है। तांजिन तिशा इस वीडियो में जिस तरीके से एक और एक्टर की वाइफ को लेकर और एक्टर को लेकर बातें कर रही है, उसको लेकर लोगों का गुस्सा तांजिन तिशा पर काफी ज्यादा फूट पड़ा है। इस वीडियो को लेकर एक्ट्रेस की ना सिर्फ इमेज खराब की जा रही है बल्कि इस वीडियो को लेकर उन्हें काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाई जा रही है। तांजिन तिशा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और शराब के नशे में एक्ट्रेस की मस्ती करते हुए ये जितनी भी क्लिपिंग सामने आई है उसको लेकर लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं एक्ट्रेस के बारे में। सोशल मीडिया पर पिछले दो दिन से इस प्राइवेट वीडियो को लेकर जो बवाल मचा, एक्ट्रेस को ट्रोल किया गया, फाइनली अब एक्ट्रेस का रिएक्शन भी इस वीडियो पर सामने आ चुका है। इस वक्त एक्ट्रेस अपने कुछ कामों की वजह से, अपने कुछ प्रोग्राम्स की वजह से अमेरिका में है और जब उन्हें इस वीडियो के बारे में पता लगा तो फेसबुक पर तांजिन तिशा ने एक लंबा चौड़ा नोट लिखा है और इस पूरे वीडियो पर अपना क्लैरिफिकेशन भी दिया है। एक्ट्रेस इस टाइम पर यूएसए में है अपने प्रोग्राम्स की वजह से, जो इवेंट्स उन्हें बैक टू बैक करने हैं। इसी बीच जब एक्ट्रेस को पता चला कि उनका ये प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उनकी इमेज को इस वीडियो की वजह से नुकसान पहुंच रहा है, तो एक्ट्रेस ने एक पोस्ट कर अपने फैंस को इस पूरे मामले पर सफाई दी है। सोशल मीडिया पर तिशा को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है उसको लेकर वो काफी शॉक्ड है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि 6 साल पुराने प्राइवेट वीडियो को लेकर लोग उन्हें इतना ज्यादा क्यों कंट्रोवर्सी में घसीट रहे हैं। तांजिन तिशा ने अपने पोस्ट में इस बात को साफ कर दिया है कि उनका यह वीडियो 6-7 साल पुराना है जिसमें अपनी बागी की दो दोस्तों के साथ वो मस्ती करती नजर आ रही है। इस वीडियो के साथ जो उन्होंने पोस्ट लिखा है फेसबुक पर, उन्होंने इस पोस्ट में लिखा है कि ये मेरा बहुत पर्सनल वीडियो है जो कि अभी का नहीं बल्कि 6-7 साल पुराना है। मुझे इस पूरे वीडियो पर कोई भी सफाई नहीं देनी है, लेकिन मैं अपने फैंस से, अपने चाहने वालों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे इस वीडियो के आधार पर बिल्कुल भी जज ना करें। हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है, इसलिए किसी की पर्सनल लाइफ को इस तरीके से सोशल मीडिया पर उछालना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं अपने फैंस से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे अपनी वीडियोस की वजह से, मुझे अपनी एक्टिंग की वजह से, मेरी सीरियल्स की वजह से मुझे याद रखा जाए, ना कि इन बकवास वीडियोस की वजह से। इसके साथ ही तिशा ने ये भी लिखा है कि काफी बड़ा क्राइम है अगर आप बिना किसी की परमिशन के किसी का प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। तांजिन तिशा ने इस वीडियो के वायरल होने के बाद इस बात को भी क्लियर कर दिया है कि अमेरिका से वापस आने के बाद वो इस वीडियो फैलाने वाले लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन भी लेने वाली है। तांजिन तिशा ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि लीगल एक्शन लेने के साथ साथ उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है कि जो लोग उनकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वायरल वीडियो की बात करें तो तिशा अपनी दो दोस्तों के साथ एलिवेटर पर डांस करती नजर आ रही है और उनका वीडियो देखकर साफ पता लग रहा है कि उस टाइम पर एक्ट्रेस नशे में थी, लेकिन वो उनका प्राइवेट वीडियो है, वो अपनी दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी। इस वीडियो में तांजिन तिशा के अलावा दो एक्ट्रेस और नजर आ रही हैं जिनका नाम नाजिफा तुशी और सुनैरा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होते ही लोगों ने देखते ही देखते तांजिन तिशा को गंदे तरीके से ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।